हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल हिमानी फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स गाइस इससे पहले जो हमने स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स के जो एमएससी बीएससी लेवल के टॉपिक्स हैं जो स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स है वो स्टार्ट की थी हमने तो उसमें हमारा जो पहला हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारा प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें ये कहता है कि जो हमारा हाँ, हमारे प्लैंक थे जो सर प्लैंक थे उन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया था जिससे उन्होंने हमारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में जो हमारा ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम था उसमें उन्होंने एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमें इन्होंने बताया था ठीक है ये जो फार्मूला है ये हमारे दो ऑजम्पशन पे बेस्ड है पहला ऑजम्प्शन ये कहता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो सिंपल हारमोनिक होती है ठीक है जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है ये हमारा क्या होता है एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी रेडिएशन ठीक है सब कुछ एक्सचेंज कर सकता है जब इनके आपस में कोलिजंस होती हैं ठीक है थीक्या? और इनकी जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है डिस्क्रीट होती है ठीक है डिस्क्रीट होती है क्वांटा होती है क्वांटाइज्ड होती है ऑलराइट तो तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने क्या किया था रेडिएशन चैम्बर इन्होंने देखा कि जो रेडिएशन चैम्बर है वो किससे फिल्ड होता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन से फिल होता है ठीक है और जो वॉल्स होती हैं उस चैंबर की मान लीजिए एक चैम्बर है उसमें हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन से वो फिल्ड है और जो उस चैम्बर की वॉल्स हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है जो कि वाइब्रेट कर सकती है ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेंसी के साथ और जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटर्स ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि वट आर रेजोनेटर्स ठीक uh, है तो जो क्या होते हैं हमारे वॉल्स ऑफ चैम्बर होती हैं वो मॉलिक्यूल से बनी हुई होती हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर सकते हैं एंड या और इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटर्स और ये जो रेजोनेटर्स हैं ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है रेडिएशन विद एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे एक सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर एनर्जी एक्सचेंज करता है ऐसे ये भी कर सकते हैं वो कैसे होगी जब किसी चैम्बर पे अगर हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वॉल्स होंगे वो आपस में वाइब्रेट करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी होंगी कोलिजन विद वॉल होगा उनका ठीक है वॉल कोलिजन होगा तो वाइब्रेशन होगी वाइब्रेशन होगी तो हमारे सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिकसिलेशन होंगे ठीक है तो दस अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती e N H nu. H constant, है इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एच न्यू न्यूज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ठीक है इन्होंने ये कॉन्स्टेंट दिया होता है एंड एन इज द इंटीजर ठीक है जो दूसरा जम्शन है इनका वो ये है वो ये कहता है कि जो ऑसिलेटर है वो कैन नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी जो ये हमने ऑसिलेटर अभी देखे थे ये हमारे ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ना ही रेडिएट कर सकते हैं कंटिन्यूसली बात यहाँ पर कंटिन्यूसली बट क्या होता है जो ऑसिलेटर और फ्रिक्वेंसी इन कैन ओनली रेडिएट और एब्जॉर्ब इन अ यूनिट और क्वांटा ऑफ मैग्नीट्यूड एच न्यू ठीक है ये एच न्यू अमाउंट से क्या कर सकते हैं हमारा एब्जॉर्ब या रेडिएट कर सकते हैं ठीक है कंटिन्यूसली नहीं कर सकते बट एच न्यू अमाउंट से कर सकते हैं राइट मैग्नीट्यूड एच न्यू इन दिस केस केस इस case में जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है बट डिस्क्रीट होती है और इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो एच न्यू टू एच न्यू थ्री एच न्यू फोर एच न्यू ये इस तरीके से नहीं हो सकती वन पॉइंट फाइव एच न्यू टू पॉइंट फाइव एच न्यू थ्री बाई फोर एच न्यू ऐसे नहीं हो सकती ये हमारी हमेशा कंटिन्यूम होगी ओके अब मान लीजिए कि जो हमारा एम है वो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर है ठीक है सॉरी एम नहीं ये होगा हमारा एन ठीक है अगर एन हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर है तो जो इसकी टोटल एनर्जी होगी और सॉरी जो ई e है वो टोटल एनर्जी तो जो इसकी हमारी एवरेज एनर्जी होगी दैट इज ये जो साइन होता है ये हमारा एवरेज एवरेज को डिनोट करता है तो एवरेज एनर्जी जो होगी वो क्या होगी अगर ई हमारा टोटल एनर्जी है एन हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लैक ऑसिलेटर है ऑसिलेटर्स क्या है जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं किसी भी फ्रिक्वेंसी के साथ ठीक है वो हमारे ऑसिलेटर्स या उन्हें हम रेजोनेटर्स बोलते हैं ठीक है तो जो हमारी एवरेज एनर्जी होगी वो होगी ई e बाय एन वो हम इस फॉर्मूले से देंगे तो हमने इसे अगर नंबर ऑफ रेजोनेटर एनर्जी जिनकी एनर्जी जीरो थ्री एंड सो वन तो इस तरीके से तो अकॉर्डिंग टू बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो बोल्समैन ने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा देखिए ये कुछ हमारा क्या है? ये एन जीरो ग्राउंड स्टेट पे है तो एन नॉट जो हो गया हमारा नंबर ऑफ रेजोनेटर जिनकी जीरो एनर्जी है जिनकी एनर्जी क्या है हमारी जीरो है N1 जिनकी एनर्जी ई वन ई वन दट इज एच न्यू एन टू एनर्जी ई टू नंबर ऑफ रेजोनेटर हैविंग एनर्जी ई टू टू एच नीयू नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी ई थ्री इसलिए इसके सब्सक्रिप्ट में थ्री है तो हो गया थ्री एच नीयू ठीक है तो यहां पर हमारा क्या हो गया ई नॉट इक्व टू जीरो ई वन इक्व टू एच न्यू ई टू इक्व टू टू एच न्यू थ्री इक्व टू कंटिन्यू so होता रहेगा तो फॉर ग्राउंड स्टेट हमारा क्या हो गया एन नॉट जीरो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन वन एन वन की जो वैल्यू होगी वो एन नॉट ई की पावर माइनस एच न्यूपॉन के टी फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एन टू इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस टू एच न्यूपॉन के टी एंड क्योंकि फार्मूला हमारा होता है एन इक्वल्स टू एन नॉट ये हमारा क्या है बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग है दिस इज इन अकॉर्डिंग्स विद बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये फार्मूला हमारा बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फार्मूला है जो कि कहता है जो हमारा नंबर ऑफ रेजोनेटर्स होते हैं ठीक है टोटल नंबर ऑफ प्लैक ऑसिलेटर या रेजोनेटर हम कहेंगे वो किसके इक्वल होता है एन नॉट टाइम्स ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी तो ई e यहाँ पे क्या है ई वन ई टू ई थ्री ई फोर नंबर डिपेंड करते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ रेजोनेटर्स यूज कर रहे हैं ठीक है तो फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट एन थ्री इक्वल्स टू एन नॉट इवर माइनस थ्री एच न्यू अपन के टी तो दस टोटल नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एस एच इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन तो कितने हो जाएंगे एटम्स आर तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टोटल इन सब का सम एन एन जीरो एन नॉट एन वन एन टू एन थ्री एन सो ऑन तो वही चीज हमने यहां पर करी है तो so, जो हमारा एन आया वो आया एन नॉट प्लस एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एंड सो वन अपू इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है तो एन यहां से है एन नॉट अब एन वन की जो वैल्यू है वो हमने यहां से इधर पुट कर ली एन नॉट ई के पावर माइनस एच अपॉन के टी एन टू की वैल्यू एन नॉट ई के पावर माइनस टू एच न्यूपन के टी प्लस एन थ्री की वैल्यू एन नॉट ई के पावर माइनस थ्री एच नियॉन के टी एंड सो ऑन तो इस तरीके से यहां से हमने सारे एन नॉट कॉमन ले लिए एन नॉट की जगह पे वन इससे एन नॉट बाहर आ गया तो अंदर बचा ई e की पावर माइनस एचनी ओपॉन के टी प्लस इधर से एन नॉट बाहर आ गया अंदर बचा ई e के पावर माइनस टू एच के टी प्लस इधर से भी एन नॉट बाहर आ गया तो अंदर बचा ई e के पावर माइनस थ्री एच के टी एंड सो ऑन इस तरीके से होगा नेक्स्ट है अब जो हमारा e की पावर माइनस एच न्यूपॉन के टी है उसे हमने एक्स मान लिया ठीक है तो एक्स मान लिया तो हमारे पास क्या आया था n इज इक्वल्स टू एन नॉट कॉमन था अंदर बचा था वन प्लस ई की पावर माइनस एच न्यूपॉन के टी प्लस ई e के पावर माइनस टू एच न्यूपॉन के टी प्लस ई की पावर माइनस थ्री एच न्यूपॉन के टी था एंड सो ऑन तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे e की पावर एचनी न्यू ऑन के टी की वैल्यू x है तो वन e की पावर माइनस एचनी ओपॉन के टी इज x e की पावर माइनस एचनी ओपॉन के टी इंटू टू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन ठीक है तो इसका मतलब हो गया वन अपॉन वन माइनस एक्स ठीक है तो ये हो गया हमारा एन नॉट इसकी जो वैल्यू होगी बायोनोम एक्सपेंशन से वन अपॉन वन माइनस एक्स आ गई ठीक है तो यहां से जो, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर आए वो आए हमारे एन नॉट अपॉन वन माइनस एक्स और एक्स की जो वैल्यू है वो है ई e की पावर माइनस एच के टी ओके तो ये आई हमारी सेकेंड इक्वेशन अब हम बात करते हैं जो हमारी टोटल एनर्जी है ठीक है जो हमारी टोटल एनर्जी हम उसकी बात करेंगे हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन नंबर वन मानी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो था एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लैक्स ऑसिलेटर तो अब हमें क्या निकालनी है टोटल एनर्जी दस टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर और एटम इज इक्वल टू तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी एवरेज एनर्जी इन नंबर ऑफ एटम जो कि हमारा हो गया ई e. ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू एन इन एवरेज एनर्जी ठीक है तो वही एन नॉट ई नॉट प्लस एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू प्लस एन थ्री ई थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई नॉट एन इज जीरो ग्राउंड लेवल पे हमारी एनर्जी जीरो होती है तो जीरो तो एन नॉट एन एन वन की जो वैल्यू थी वो थी एन नॉट ई की पावर माइनस एच नियॉन के टी इन टू ई वन की जो वैल्यू है वो है एच न्यू प्लस एन नॉट एन टू की जो वैल्यू है वो है एन नॉट ई की पावर माइनस टू एच नीओपॉन के टी इन टू ई टू की वैल्यू है टू एच नियो प्लस एन थ्री की वैल्यू एन नॉट ई की पावर माइनस थ्री एच न यू पॉन के टी इंटू ई थ्री की वैल्यू है थ्री एच न प्लस एंड सो ऑन ऐसी हम कितने भी नंबर्स uh, के लिए कर सकते हैं नाउ अब हम क्या करेंगे ई इज इक्वल्स टू तो फर्स्ट वाली टर्म एन नॉट ई की पावर माइनस ई एच न माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू पॉन के टी इंटू एच नू प्लस मतलब ये वाली टर्म हमने जीरो वाली टर्म हटा दी तो हमारे पास ये बची एन नॉट ई की पावर माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी इन टू टू एच नू प्लस एन नॉट ई की पावर माइनस थ्री एच न्यू अपॉन के टी इन थ्री एच न्यू प्लस एंड सो ऑन अब ईज इक्वल्स टू एन नॉट यहाँ से हम इन सब में से हमारा एच न्यू कॉमन आ रहा है तो हमने वो कॉमन ले लिया एच न्यू हमारा कॉमन आ गया एन नॉट और एच न्यू हमारा कॉमन आ गया तो अंदर बचा हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन आ गई इधर से ये कॉमन आ गया ये कॉमन आ गया ये और ये कॉमन आ गया तो अंदर बचा हमारे पास ई e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी दूसरी वाली टर्म में हमारे पास बचा ई e की पावर माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी इन टू टू तो ये टू हमने आगे लिख लिया टू ई के पावर माइनस टू एच न्यू के टी अपॉन के टी प्लस यहाँ से हमारा एन नॉट एच न्यू बाहर आया तो अंदर बचा ई e की पावर माइनस थ्री एच न्यू के टी इन टू थ्री तो ये थ्री हमने आगे लिख लिया ई e की पावर माइनस थ्री एच न्यू अपॉन के टी प्लस अब हमने क्या करना है फिर से करना है हमने एजम्स पहले भी किया था कि जो ई e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी ऊ से हमने एक्स माना था ठीक है तो फिर से हम यहाँ पे वही करेंगे तो एन नॉट एच न्यू हमने बाहर ले रखा है और जो ई e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी हमने एक्स माना है तो ये एक्स आ गया ये एक्स आया तो ये टू एक्स स्क्वायर आ गया ठीक है क्योंकि माइनस टू था ये आ गया हमारा थ्री एक्स क्यू प्लस एन सो ऑन फिर से बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इस वाले पार्ट का तो हमारे पास आएगा एन नॉट एच न्यू तो एज इट इज रहा और इसका बायनोमियल एक्सपेंशन आया एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये बनी हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर थ्री नाउ अब हमें पता है कि जो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर होती है वो होती है E बाय एन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो E तो E क्या आया था हमारे पास हमने सोल्व किया था ये तो ई आया हमारे पास एन नॉट एच नू इन टू ये आया एक्स बाय ओके फाइन मैं इसको यहाँ पे आपको अच्छे से करके बता देती हूं ऐसे समझ में आ जाएगा आपको ये हमारे पास ई इज इक्वल्स टू एन नॉट एच नू इंटू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर एन एन की वैल्यू हमारे पास है एन नॉट अपॉन एक्स अपॉन एन है ना एन की वैल्यू हमारे पास एन नॉट इन टू वन अपॉन वन माइनस एक्स ठीक है तो हमारे पास जो जो चीजें कैंसिल हो रही है हम उन्हें कैंसिल करेंगे ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है एंड इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो रही है तो हमारे पास क्या बच्चा एच न्यू दैट इज मतलब ये वाला पार्ट हमारा पूरा कैंसिल हो गया तो बच्चा हमारे पास एच न्यू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स तो वही हमने यहाँ पे लिखा है ठीक है एचन्यू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स एवरेज एनर्जी अब फर्दर से सॉल्व करते हैं हम सॉल्व करने के बाद हमारी जो एवरेज एनर्जी आई एचन यू अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स हमने यहाँ पे एलसीएम कर लिया इसका ओके जो ऊपर वाला एक्स था वो हमने नीचे ले लिया ठीक है तो ये आ गया हमारा एवरेज एनर्जी जो आई वो आई न्यू अपॉन इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया वन अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट इज वन तो एवरेज एनर्जी आई अपॉन एक्स की पावर माइनस वन हो गया ये वाला ऊपर गया तो एक्स की पावर माइनस वन अपॉन सॉरी माइनस वन ये हो गया माइनस वन तो एवरेज एनर्जी आई एच न्यू और एक्स की वैल्यू हमारे पताई थी हमें पता है कि एक्स की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी थी ई e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी जो था हमारा एक्स था ठीक है ये जो था ये हमारा एक्स था तो एक्स की जगह पे जो ये वाला एक्स है इसकी जगह पे हमने ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था तो ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव हो गई तो एवरेज एनर्जी आई एचन्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, वन और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर दस जो हमने क्या निकाला नंबर ऑफ रेजोनेटर बिटवीन फ्रिक्वेंसी रेंज नंबर ऑफ रेजोनेटर्स कितने होंगे न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच में नंबर ऑफ रेजोनेटर होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो होंगे यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू एट पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू इंटू एनर्जी एवरेज एनर्जी और एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा ठीक है इसका जो डेरिवेशन है वो भी होता है बट यहाँ पे अभी आ, आपको याद करना पड़ेगा तो अब हमने क्या किया बस इसे हमने क्या कर दिया इस एन एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमने इस पर पुट कर दी इस फॉर्मूले में तो एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपन के टी माइनस वन दैट इज यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू एट पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब इंटू डी न्यू इंटू न्यू अपॉन ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन ये है हमारे इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में जो कि हमारा देखिए डी न्यू सॉरी यू न्यू डी न्यू अगर हम इसे लेमडा के टर्म्स में लिखे तो यू लैमडा डी लेमडा ठीक है और हमें पता है न्यू होता है एच सी बाय लेमडा तो जहां जहां पे न्यू है वहां पे हम रख लेंगे एच सी बाय लेमडा तो ये हो गया एट बाई न्यू स्क्वायर दैट इज एच सी बाय लेमडा ओके और ये हो गया हमारा डी लेमडा अपॉन ये हो गया हमारा ई की पावर एच सी अपॉन के टी माइनस वन तो ये इन टर्म्स ऑफ लेमडा हमारी वैल्यू आ गई पर के कैसे चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक कर लीजिएगा ठीक है अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा आई ट्राई कि मैं उसे क्लियर करूं ओके okay, अब यहां पे हमारे कुछ केसेस निकल कर आते हैं तो पहला केस ये है कि अगर ये जो लेमडा है ये जो लेमडा है अगर ये लार्ज होगा तो जो हमारा न्यू होगा वो स्मॉल होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर लेमडा लार्ज होगा तो न्यू स्मॉल होगा न्यू लार्ज होगा तो लेमडा स्मॉल होगा तो देन एच न्यू जो होगा वो हमारा बहुत 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 छोटा होगा के टी से ठीक है जो एच न्यू होगा वो के टी से बहुत छोटा होगा ओके okay? तो जो हमारा आ, एवरेज एनर्जी आई थी वो कुछ इस तरीके से होगी एच न्यू लिमिट न्यू टेंस टू जीरो एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन तो लिमिट न्यू टेंस टू जीरो एच न्यू Uh, तो इसे हम हम बताए ई e की पावर एक्स का जो हमारा एक्सपेंशन होता है वो होता है वन प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉइंट टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो वन ठीक है तो वन प्लस ई की पावर एक्स एक्स की जगह पे यहाँ पे h पॉन के टी है तो एच न्यू अपॉन के टी प्लस वन अपॉइंट टू फैक्टोरियल एचनियो पॉन के टी का स्क्वायर प्लस एंड सो वन माइनस वन तो इस वन से तो ये वाला वन कैंसिल आउट हो गया तो और जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे वो निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये वैसे ही डिवाइड पे है और डिवाइड पे और हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी तो वो हमारी और छोटी होती रहेंगी तो इसलिए उन्हें हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो लिमिट न्यू टेंस टू जीरो न्यू अपॉन पहली टर्म ही हमने यहां पे रखी ठीक है न्यू अपॉन के टी तो यहां से हमारा न्यू से एच न्यू कैंसिल हुआ ये के टी ऊपर गया तो लिमिट न्यू टेंस टू जीरो के टी तो यहां से हमारी जो वैल्यू आई इसकी वो आई के टी एनर्जी की वैल्यू आई के टी जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू थी ओके नोट इसका मतलब क्या हुआ जो ये हमारा वैल्यू है ये किसकी तरह आई है वो आई है सेम एज रेले फॉर्मूला फॉर ग्रेटर वेवलेंथ दस प्लैंक्स एक्सप्लेन प्रॉपरली द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फॉर ग्रेटर वेवलेंथ ग्रेटर वेवलेंथ के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से ये जिस एक्सप्लेन की ये क्लैरिफाई हो गया अब केस टू है जब हमारा लैमडा स्मॉल होगा लैमडा स्मॉल होगा तो हमारा क्या होगा न्यू लार्ज होगा है ना क्योंकि इनके बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो इसका मतलब जो h नहीं होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा हमारा के टी से तो दैट मीन लिमिट न्यू टेंस टू इन्फिनिटी क्योंकि हमारा क्या है न्यू लार्ज है तो न्यू टेंस टू इन्फिटी फिर से हमारी एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमने लिखी एच न्यू अपॉन ई की पावर न्यू अपॉन के टी माइनस वन दस इन अब इक्वेशन वन कैन बी नेग्लेक्टेड क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू से अगर हम कुछ वन कम करेंगे तो वो कुछ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक बहुत सारा चीनी का ढेर अगर उसमें से आपने चीनी का बस एक दाना निकाल लिया तो उसमें उसके वजन में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा तो एज इट इज इसमें इस से अगर हम वन नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे इसमें इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो so, तो लिमिट न्यू टेंस टू तो इन्फिनी सॉल लिमिट न्यू टेंस टू इन्फिनिटी एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी ये इस तरीके से आ जाएगा अब हमने क्या करना है लिमिट पुट करनी है तो लिमिट पुट करने के लिए लिमिट अगर हम पुट करते हैं तो हमारा ये कुछ इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाली कंडीशन बनती है जिसको हम एल हॉस्पिटल रूल्स से सॉल्व करते हैं तो न्यू टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर हमारी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लग रही है तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल तो लिमिट न्यू टेंस टू इन्फिनिटी एच अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी इन टू एच अपॉन के टी

वेवलेंथ हमारी शॉर्टर होगी तो एनर्जी डेंसिटी विल बी जीरो क्योंकि यहां पे हमारा लैमडा स्मॉल था इस कंडीशन में लैमडा जो था वो स्मॉल था अगर हमारी वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी डेंसिटी हमारी एनर्जी ये हमारी एनर्जी थी ठीक है एनर्जी जो डेंसिटी आएगी वो हमारी जीरो हो जाएगी ठीक है इसलिए प्लैंक ने हमारा क्या किया था कंप्लीट ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को बताया था शॉर्टर और ग्रेटर वेवलेंथ दोनों के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लैंग्स डिस्ट्रीब्यूशन लो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा रेले जीन्स फार्मूला अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट देते हैं तो मैं आपके लिए इस तरीके से नोट्स देती भी रहूंगी आपको ताकि आपको एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो हैंड रिटन नोट्स आप आसानी से और मैं इन्हें समझा भी रही हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइड्स प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू